हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर फ्लावर जो हैं वो खिले हुए हैं। फ्रेंड, सभी प्लांट पे बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है अभी हो रही है बरसात के सीजन में। देख सकते हैं गुलाब भी इस तरह से, जो देसी वाला गुलाब है, इस तरह से भर भर के खिल रहा है। और देखिए इधर बटर कप भी इस तरह से भर भर के खिले जा रहे हैं। और उधर आप देख सकते हैं कि मैक्सिकन पिटूनिया जो है वो कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और चलिए मैं आपको एक और फ्लावर दिखाती हूँ जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और आज खिला है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं इधर ये मेरा येल्लो वाला गुड़हल जो कि खिला है, ये हाइब्रिड वाला है। और देखिए कितने सारी इसमें कलियाँ भी बहुत सारी आई हुई हैं और बिल्कुल छोटे से पॉट में ही ये लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितने छोटे से पॉट है और उसी में ये जो मेरा प्लांट कितने अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर रहा है। क्या आप भी फ्री में गार्डनिंग के शौकीन हैं? फ्रेंड, तो आज मैं वो सारे जुगाड़ जो है बताने वाली हूँ जिससे कि हम फ्री में गार्डनिंग जो है बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड, तो प्लांट लवर को अगर फ्री के प्लांट मिल जाए, फ्री के पॉट्स मिल जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी जो बरसात का महीना चल रहा है, मानसून का सीजन है फ्रेंड, इस समय ढेरों प्लांट जो है अपने आप से निकल जाते हैं। जहाँ कहीं भी उनके सीड्स गिरते हैं तो वहीं पे प्लांट जो है उग जाते हैं। तो बस थोड़ी सी कोशिश जो है हमें करनी पड़ती है और इस तरह से हमें ढेरों प्लांट जो है अभी फ्री में मिल जाते हैं। फ्रेंड, तो आज मैं आपको फ्री के ही ढेरों प्लांट जो है दिखाऊंगी, तो थोड़ा सा जुगाड़ जो है आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप प्लांट लवर हैं तो आप भी इस तरह से जुगाड़ जो है लगा सकते हैं। और इस तरह से फ्री के जब प्लांट हमें मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। फ्री की गार्डनिंग करना तो किसी नहीं अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं आप कि कितने सारे गेंदा के प्लांट जो हैं वो निकले हुए। फ्रेंड, तो कल मैं अपने मम्मी के घर गई थी और वहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो पिछले साल के जो मेरी गोल्ड के प्लांट थे उसी के सीड्स जो हैं वो अपने आप से गिर गए थे। और उसके बाद देख सकते हैं अब जहाँ तहाँ इस तरह से कितने हज़ारों गेंदा के प्लांट जो है निकल गए हैं। तो मैं कुछ गेंदा के प्लांट जो है ले आई हूँ। बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है, फ्री के प्लांट इस तरह से हमें मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉस्कम के प्लांट के सीड्स गिर गिर के ढेर उस कॉस्कम के प्लांट जो है छोटे छोटे निकल गए हैं, तो इसे मैंने ले लिया है। फ्रेंड्स, हम प्लांट लवर तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर फ्री के प्लांट की तलाश में ही रहते हैं। फ्रेंड, तो देखिए ये जो मैरीगोल्ड का प्लांट है इसमें तो कली भी बनने लगी है और इसी के नीचे इसे विंका है, सदाबहार के सीड्स भी निकले हुए हैं। तो सदाबहार का प्लांट्स भी मैं ले जाने वाली हूँ। फ्रेंड, तो इस तरह से फ्री में हम प्लांट्स का जुगाड़ जो है वो कर ही लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप फ्री में गार्डनिंग करना चाहते हैं और फ्री के प्लांट्स चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको जुगाड़ जो है लगाना पड़ेगा। तो हम प्लांट्स लवर तो कहीं भी जाते हैं तो इस तरह से फ्री के प्लांट जो है वो उसकी तलाश में रहते हैं। फ्रेंड, तो देख सकते हैं कि अभी सावन के महीने में बरसात के सीजन में आप कहीं भी जाएंगे तो किसी भी बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे आपको छोटे छोटे उसके जो बेबी प्लांट है ज़रूर निकले रहेंगे। तो कोई भी प्लांट अभी आप फ्री में बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारे इस तरह से सदाबहार के प्लांट है। तो सदाबहार के प्लांट तो गिर गिर के इसके बेबी प्लांट ढेरों निकल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कितने छोटे छोटे सदाबहार के बेबी प्लांट जो है वो निकल गए हैं। तो इस तरह से फ्री में आप भी प्लांट की तलाश जो है वो कर सकते हैं। अपने आसपास आप अगर ढूंढेंगे, चेक करेंगे, तो आपको भी इस तरह से फ्री में ढेरों प्लांट जो है वो मिल जाएंगे। अब ये देखिए यह है बड़ा सा कनेर का प्लांट। तो कनेर के प्लांट के पास में अगर आप जाके चेक करेंगे फ्रेंड, तो उसके जो बीज हैं गिर जाते हैं और अपने आप से वहाँ ढेरों उसके छोटे छोटे बेबी प्लांट जो है वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर भी कनेर प्लांट के नीचे ढेरों छोटे छोटे बेबी प्लांट है, तो इसे मैंने ले लिया है और मैं इसे ले जाके रिपोर्ट जो है वो करने वाली हूँ। इस तरह से मैंने तो फ्री में ढेरों प्लांट का जुगाड़ जो है वो कर लिया। फ्रेंड, तो देखिए ये मैंने सदाबहार के प्लांट के नीचे से सदाबहार का एक बड़ा सा प्लांट ले लिया है और ये जो प्लांट है अभी फटाफट से लग जाएगा और उसमें फूल भी खिलने लग जाएंगे। और देखिए मैंने ढेर सारे मैरीगोल्ड के गेंदा के प्लांट जो है छोटे छोटे और ये कुछ बड़े भी प्लांट हैं, छोटे छोटे ढेर सारे गेंदा के प्लांट फ्री में ले लिए हैं। फ्रेंड, और इस तरह से ढेर सारे गेंदा के फ्लावर खिलेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने ये कॉस्कम के भी कुछ प्लांट जो है वो ले लिए हैं। तो इस तरह से मैंने ढेरों फ्री के प्लांट जो है वो जुगाड़ से कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह फ्री के प्लांट चाहते हैं तो आपको भी बड़े बड़े प्लांट या फिर फूलों वाले प्लांट के नीचे जाकर अगर चेक करेंगे तो इस तरह से फ्री में आपको भी छोटे छोटे ढेर सारे प्लांट जो है अभी फ्री में मिल जाएंगे। फ्रेंड, और देखिए यहाँ पर मैंने कनेर के भी छोटे छोटे बेबी प्लांट जो है वो ले लिए हैं। तो फ्री के प्लांट्स लगाने के लिए हमारा फ्री का ग्रो बैग भी रेडी हो गया। फ्रेंड, तो इस तरह के जो प्लास्टिक है, हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ सामान करके ये जो प्लास्टिक है ये तो आटे के है, इस तरह से आटे के, चावल के, सर्फ के, जो भी पैकेट हमारे घर में आते हैं तो उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फ्री में हमारे ग्रो बैग का जुगाड़ जो है हो गया है। फ्रेंड, तो इस तरह से हम फ्री में गार्डनिंग करते हैं तो ये सब जुगाड़ जो है लगाना पड़ता है। तो देखिए मैंने
सभी को अच्छे से इसके नीचे इस तरह से पिन से साइड साइड में पिन लगा दिए हैं, और पिन लगाकर मैंने अच्छे से होल्स भी ढेर सारे कर लिए हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं तो इसमें अच्छे से होल्स जो है, तो सभी में मैंने होल्स जो हैं ढेर सारे होल्स कर दिए हैं। और सारा कुछ हम जुगाड़ से ही करेंगे, जुगाड़ से ही हम गार्डनिंग करेंगे फ्रेंड। फ्री में प्लांट भी मिल गए हमें, और फ्री में इस तरह से ढेर सारे ग्रो बैग भी हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब हमें अपने ग्रो बैग में मिट्टी भरने की तैयारी जो है कर लेनी है। तो देखिए मिट्टी जो है कम से कम हमें भरनी है, तो किस तरह से हम ग्रो बैग को फिल करेंगे कि मिट्टी भी हमारी कम लगे। तो देखिए जितने भी ग्रो बैग में है सब में मैं इस तरह से, ये जो हमारे गार्डन से इस तरह के पत्ते निकलते हैं तो सभी को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और देखिए ये हमारे किचन से निकला हुआ किचन वेस्ट है, तो इसके नीचे मैं इसी तरह से, आप देख सकते हैं इधर भी कुछ सूखे पत्ते हैं, तो सबको मैं पहले नीचे इस तरह से सूखे पत्ते जो हैं सभी में ग्रो बैग में भर लेती हूँ। तो जितने भी मैंने फ्री के इस तरह के ग्रो बैग बनाए हैं फ्रेंड, सभी में मैंने अच्छे से नीचे सूखे पत्ते और किचन वेस्ट जो है वो भर दिया है। और ये इससे फ़ायदा ये होगा कि ये सारे जो जो हमने कूड़े कचरे जिसे हम फेंक देते हैं भरा है, ये हमारे खाद का काम करेंगे, और इसे हमें प्लांट्स में बार बार खाद भी देना नहीं पड़ेगा, और मिट्टी भी कम लगेगी हमारी, और इसके लिए हमने मिट्टी भी व्यवस्था कर ली है फ्रेंड। और देखिए ये सारे हमारे प्लांट्स हैं जिसे हम इसमें आज हम इस ग्रो बैग में रिपोर्ट करने वाले हैं, तो कितने सारे फ्री के प्लांट जो है हमें मिल गए हैं फ्रेंड। तो इस तरह से थोड़ा सा जुगाड़ जो है करने से हमें अभी बरसात के सीज़न में ढेरों फ्री के प्लांट जो हैं वो मिल जाते हैं। तो हमने सारे ग्रो बैग में इस तरह से मिट्टी जो है वो डाल दी है फ्रेंड, नीचे सूखे पत्ते जो हैं डाल दिए, और अब हम प्लांट्स को निकाल लेते हैं एक एक करके, क्योंकि अब हम उसमें रिपोर्ट करने वाले हैं। तो देखिए मैं सारे प्लांट को ले आई हूँ, और इसके नीचे थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी लगी हुई है, और प्लांट मेरे बहुत ही अच्छे हेल्दी हैं। तो अब सबको मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ। सभी प्लांट को मैंने इस तरह से अलग अलग कर दिए हैं क्योंकि मुझे अब इनको रिपोर्ट करना है। और चलिए अब मैं प्लांट को रिपोर्ट करती हूँ धीरे धीरे। तो देखिए मैंने एक यहाँ पे बड़ा वाला प्लांट जो है वो रखा है, क्योंकि मैं इस आटे के बड़े वाले ग्रो बैग हैं इसी में मैं लगाऊंगी। तो ये जो गेंदा के प्लांट आप देख रहे हैं, देखिए कितने थोड़ा बड़ा साइज का, और इसमें इस तरह से रूट भी ढेर सारी आए हुए हैं इसके ऊपर ऊपर से। तो हम चाहें तो इसके ढेर सारे कटिंग करके प्लांट भी बना सकते हैं, तो अभी तो मैं फिलहाल इसकी कटिंग जो है नहीं करूँगी, और इस ग्रो बैग में ही इसे इस तरह से लगा देती हूँ। तो बड़े वाले गेंदे के प्लांट को तो मैंने इस बड़े वाले ग्रो बैग में, आटे के ग्रो बैग में रिपोर्ट कर दिया है। देखिए अभी इसमें अच्छे से चलता रहेगा। और देखिए एक और मैंने इस तरह से कॉस्कोम की, इसे हम जट्टाधारी का प्लांट भी कहते हैं, तो इसके भी दो प्लांट मैंने लाए हैं फ्री में, तो इसे मैं इस ग्रो बैग में रिपोर्ट कर देती हूँ फ्रेंड। तो चलिए अब मैं इसमें मिट्टी जो है वो डाल देती हूँ। देखिए हमने इतने सारे प्लांट को रिपोर्ट तो कर दिया फ्रेंड, तो छः ग्रो बैग मैंने फ्री के बनाए थे, जिसमें से पाँच में मैंने प्लांट लगा दिया और एक जो है मेरा खाली है। तो इसमें मैं इस तरह से मैंने कनेर के प्लांट भी लाए थे जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो दो कनेर के प्लांट में मैं इस पॉली बैग में लगाऊंगी। और अभी भी मेरे इस तरह से आप देख सकते हैं कि गेंदा के प्लांट बचे हुए हैं और कनेर के भी और प्लांट बचे हुए हैं, और इधर आप देख सकते हैं कि दो सदाबहार के और बेबी प्लांट भी बचे हुए हैं, तो इन सबको मुझे रिपोर्ट करना है। तो मैंने फटाफट से जो प्लांट है रिपोर्ट कर दिए फ्रेंड। और देखिए इधर मैंने गेंदा को रिपोर्ट किया, इसमें एक बड़ा, ये दूसरे कलर वाला है, देख सकते हैं इसके जो ब्रांच हैं अलग कलर के हैं, कुछ रेड हैं और कुछ इस तरह से वाइट ब्रांच हैं, तो इसमें अलग कलर के फूल आते हैं। और इधर मैंने इस तरह से कॉस्कोम के प्लांट को भी रिपोर्ट कर दिया है। तो अब ये जो एक ग्रो बैग मेरा खाली बच गया है, तो इसमें मैं कनेर के जो दो प्लांट मैंने लिए हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल दो प्लांट एक साथ ही रिपोर्ट कर देती हूँ। तो इसमें मैं इसे रिपोर्ट कर लेती हूँ। देखिए हमने फ्री के ग्रो बैग में फ्री के प्लांट की रिपोर्टिंग जो है वो कर दी है फ्रेंड। तो इस तरह से आप भी अगर फ्री में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जुगाड़ तो आपको लगाना पड़ेगा, जिससे आपको भी इस तरह से फ्री में प्लांट जो है वो मिल जाएंगे। तो आप अपने आसपास चेक करेंगे तो अभी बरसात के दिनों में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ्री के प्लांट जो है वो ज़रूर मिल जाएंगे फ्रेंड्स।